सभी के पास घर तो जरूर है और खर्च करने के लिए थोड़े पैसे भी हैं, फिर भी जिंदगी बोरिंग लगती है क्योंकि घर में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम 8 अमेजिंग आइडियाज देखने वाले हैं जो आपके घर को जन्नत बना देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ट्रैम्पोलिन होल्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गड्ढा खोदा और पता भी ना हो कि क्या करना है? कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रैम्पोलिन की इंस्टॉलेशन बेस्ट रहेगी। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फन है, जिसे trampolineholes.com की टीम बहुत ही तेजी से इंस्टॉल कर जाती है। और एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए ये प्रोफेशनल इंजीनियर्स आपको एक सोबर सुरक्षा पैड भी फिट कर जाते हैं, जिससे पानी गुजरने के लिए जगहों को सुरक्षित कर दिया जाता है, ताकि आपके बच्चे और पालतू जानवर तक को भी कोई परेशानी ना हो। वैसे देखा जाए तो ट्रैम्पोलिन का होना बच्चों की एक जरूरत है, जिससे मस्ती के साथ यादें भी बनती हैं, जो आपकी फैमिली को एक दूसरे के करीब रखती है और हमेशा यादगार रहती है। वुडन हॉट टब। एक लंबे थकान भरे दिन के बाद गर्म पानी से नहाने जैसा कोई सुकून नहीं होता। फेल्डर ग्रुप का ये वुडन हॉट टब लकड़ियों के ब्लॉक्स का बना हुआ एक प्रोडक्ट है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद का एक मनपसंद हॉट टब बना सकते हैं। इसको बनाने में 5 तरह की मशीन्स लगती हैं, जो केवल 2.5 स्क्वायर मीटर जितनी जगह लेती है, और इतनी ही जगह में ये प्लान करने से लेकर मोड़ने तोड़ने काटने और ड्रिल करने के सारे काम कर सकती है। इस हॉट टब का बेसिक मटेरियल साइबेरियन लार्च है, जो अपनी मजबूती और मौसम से सुरक्षा देने में मानी जाती है। इन लकड़ियों को पहले पजल के जैसे जुड़ने वाले मैकेनिज्म में ढाला जाता है और स्टेनलेस स्टील के स्क्रूज के साथ इनको और मजबूत किया जाता है, और फिर आपकी मर्जी के मुताबिक इसे असेंबल किया जाता है। इसकी इंस्टॉलेशन ऐसे ही आसान है जैसे किसी बेस के ऊपर बस पीसेस को एक साथ जोड़ना हो। इसमें बड़ा मजा भी आता है, और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हॉट टब के चारों तरफ मेटल की बेल्ट भी होती है, और आखिर में स्टीम एंजॉय करने के लिए इसमें हीटर्स और दूसरी चीजों को भी इंस्टॉल किया जाता है। केनॉक। केनॉक आजकल के ट्रेंड में चलने वाला एक स्टैंड है, जो टीवी और स्टोरेज वगैरह के लिए यूज किया जाता है। कुछ सबर और प्रैक्टिस के साथ ये सिस्टम आपके घर में भी इंस्टॉल हो सकता है। इसके लिए पहले तो आपको अपनी दीवार पर टीवी के स्टैंड के लिए आउटलाइन खींचनी होती है, ताकि आप सही लंबाई के साथ हर पीस को काट सकें, और इसके लिए आपको एक कटर भी चाहिए होता है। इसके बाद आपको स्क्रूज लगाने के लिए दीवार पर ड्रिलिंग करनी होती है, ताकि आप इसके मेटैलिक पार्ट्स को मजबूती के साथ दीवार पर फिट कर सकें, और इन सब के बाद तकरीबन सारा काम पूरा हो जाता है। लेकिन आखिर में आपको इसकी मेटैलिक बॉडी को असेंबल करना होता है। बिंदास तरीके से मिलता है स्टैंड, जो मजबूती से जोड़ने के बाद सुरक्षा और फिनिशिंग के लिए एक्रिलिक वगैरह से चमकता है, तो समझो मेहनत वसूल हो गई। मैजिक शावर हेड। दिन भर के पसीने के बाद मैजिक शावर हेड से नहाने में तो मजा ही आ जाता है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, जिससे किसी को भी कहीं भी शावर एंजॉय करने को मिल सकता है, चाहे आसपास की जगह थोड़ी तंग ही क्यों ना हो। लकड़ी की बनावट में ये हैंडी डिवाइस आपको खड़े रहने के लिए एक स्टेज देती है, जिसका वजन 10 किलोग्राम होता है और साइज में ये 70x55 सेंटीमीटर है।
इस शावर हेड डिवाइस में 2 से 11 हेड होप है और जैसे ही इस पर कोई खड़ा होता है ये ऑटोमेटिक शावर गरजना और बरसना चालू कर देता है। इपॉक्सी EDI। जैसे जैसे समय गुजर रहा है इपॉक्सी के साथ फ्लोर और फर्नीचर की डेकोरेशन बहुत पॉपुलर होती जा रही है, बल्कि इसकी फिनिशिंग पर ही आपको मॉडर्न जमाने की झलक और सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसमें कई सारे दिलकश और अनोखे डिजाइन होते हैं और यही कारण है कि डिजाइन के लिहाज से इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। इपॉक्सी रेजिन को किसी भी कलर में खरीदा जा सकता है और धीरे धीरे इसमें और भी पैटर्न शामिल किए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि होम डिजाइन के मामले में आप इससे कभी बोर नहीं होंगे। Bauhaus टाइल्स। ये टाइल्स लगाने की एक नई टेक्निक है जिसे जॉनसन टाइल्स वाले क्रिस्टल ग्रिप भी कहते हैं। इस टाइल में एक अलग तरह के चिपकने वाले फैब्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपके टाइल्स आसानी से दीवार पर एडजस्ट भी हो जाते हैं और दोबारा से बिना किसी रुकावट, धूल मिट्टी और परेशानी के निकाले भी जा सकते हैं। इन टाइल्स को निकालने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ती, बल्कि आपकी आसानी के लिए इसकी चिपक ऐसी होती है कि आप जब चाहे इनको निकाल सकते हैं। क्रिस्टल ग्रिप वाटरप्रूफ होने के कारण आपको डेकोरेशन के लिए और भी ढेर सारे ऑप्शंस दे देता है। बस आप अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए बिना किसी रुकावट और डर के जहाँ चाहे इन टाइल्स को लगाते जाएं। स्टेनलेस स्टील वाटरफॉल। हम सभी नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं और इसीलिए हम अपने जीवन में भी शांति की तलाश में रहते हैं और इसके मिलने पर हमें सुकून मिल जाता है। ऐसी शांति भरी फीलिंग आपको अपने बाथरूम या बगीचों में भी मिल सकती है और वो भी थोड़ी सी कोशिश के साथ। स्टेनलेस स्टील वाटरफॉल, जो मांबा के नाम से भी जाना जाता है, देखने में ये एक सांप जैसे डिजाइन में होता है और इसी के कारण आपके पानी या स्विमिंग पूल में एक नेचुरल लुक आ जाती है। ये डिवाइस अलग अलग साइजेस में कई इफेक्ट्स के साथ अवेलेबल है, जिसमें LED लाइट्स और वाटर पंप्स शामिल है। इस वाटर पंप की ड्यूरेबिलिटी के लिए इसे आइनॉक्स मटेरियल से कोटिंग की जाती है, जो डिवाइस को पानी में क्लोरीन और नमक से बचाए रखती है। नेरे शावर स्क्रीन्स की एक अनोखे फैशन वाली कलेक्शन है, जिसे थोड़ी सी भी एक्सपर्टाइज के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है। ये डिवाइस 6 mm मोटे टेम्पर्ड ग्लास, मैक्सिक्लीन और इंटीग्रेटेड हैंगर के साथ लैस है, जो टॉवल्स के लिए बेस्ट है। और एडिशनल सेफ्टी के लिए इसको पूरी तरह एल्यूमिनियम के फ्रेम्स और रबड़ की पट्टियों के साथ मजबूती दी जाती है। आप इस पूरी डिवाइस को बिना कुछ ड्रिल किए ही इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको पूरी तरह सेट करने में तकरीबन 2 घंटे से भी कम समय लगता है। इसके लिए पहले मेजरमेंट्स लेनी होती है और ये ख्याल रखना होता है कि काम करने वाली जगह सूखी और साफ हो। फिर एल्यूमिनियम के फ्रेम्स को दीवार पर फिट करना होता है और इसके बाद ग्लास के दरवाजों को उन फ्रेम्स के अंदर ठहराया जाता है। फिर इसमें वाइब्रेशन को कम करने के लिए लंबी स्ट्रिप भी लगाई जाती है और साथ ही फ्रेम्स में 2 मॉड्यूल और 1 मॉड्यूलर ब्लॉक भी एडजस्ट किया जाता है। फिर सबसे ऊपर के सेक्शन में मेटल क्राउन को अपनी जगह बैठाना होता है और इन सब को पूरा करके आप अपने हाथों के बने शाहकार को देख सकते हैं।
ऑफ कोर्स गैप्स को बंद करने के लिए इसमें पहले आपको खास ग्लू को यूज करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको कौन सा सोल्यूशन सबसे ज्यादा सुपर डुपर लगा और क्यों? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन तोड़ दे फोड़ दे। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा अगली वीडियो में। टेक केयर।